शुक्रवार शाम यानी 4:30 बजे तुर्की के समय अनुसार विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट UK 27 जो मुंबई से फ्रैंकफर्ट जा रही थी को तुर्की के पूर्वी शहर एर्ज़रूम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसका कारण था फ्लाइट के एक वॉशरूम में मिली एक चिट्ठी जिस पर लिखा था बम ऑन बोर्ड यानी विमान में बम है। इस घटना की जानकारी तुर्की के आंतरिक मंत्री अली यरलियाका ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। जैसे ही खबर फ्लाइट में 234 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया। तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां बम निरोधक विशेषज्ञ और एक खोजी कुत्ता विमान की तलाशी में जुटे हुए थे। अब तक कुछ भी संदिग्ध या धमकी भरा नहीं मिला है लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच अभी भी जारी है। विस्तारा एयरलाइंस ने भी इस घटना पर बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्लाइट में एक सुरक्षा संबंधी चिंता सामने आने के बाद फ्लाइट को तुरंत तुर्की में डायवर्ट कर दिया गया। इस एयरलाइंस ने कहा जैसे कि प्रोटोकॉल में निर्धारित है कि हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर और अलुग्लू ने कहा सुरक्षा की कारणों से एर्ज़रूम हवाई अड्डे पर उड़ानों की लैंडिंग और टेक ऑफ को रात 11 बजे तक रोक दिया गया है। इससे पहले यह प्रतिबंध 9 बजे तक के लिए था लेकिन एहतियाती के तौर पर इसे बढ़ा दिया गया। इस घटना ने फिर से यह याद दिला दिया है कि सुरक्षा को लेकर हम कितने सतर्क रहते हैं। अच्छी बात यह है कि फ्लाइट के सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। विस्तारा एयरलाइंस और तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों की तुरंत कार्रवाई ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया।